डॉक्टर साहब, कंप्लीट क्योर ऑफ घाव बहुत जरूरी होता है, चाहे वह मैगेटेड वुड हो, सींग टूटने का घाव हो, डीप सीटेड मतलब गहरा घाव हो, या पशु के पैर या थाई पर लगने वाले जख्म। क्योंकि डॉक्टर साहब, अगर ये जख्म घाव सही समय पर पूरी तरह से क्योर ना किए जाए तो ये सीरियस कॉम्प्लिकेशंस में बदल जाते। डॉक्टर साहब, क्यों ये अनक्योर्ड घाव सीरियस कॉम्प्लिकेशन में बदल जाते हैं? डॉक्टर साहब, आप भी जानते हैं कि पशुपालक जब भी पशु को घाव लगता है उसमें सबसे पहले खुद के इलाज उपाय नुस्खे ये सब इस्तेमाल कर लेता है, और वह आपके पास सिर्फ सेकंड स्टेज में ही आता है जब सारे इलाज इस्तेमाल करने के बाद भी वो घाव ठीक नहीं होता है। लेकिन डॉक्टर साहब, इस समय तक जो घाव की कंडीशन होती है वो और भी बदतर हो जाती है, डिटोरिएट हो जाती है, जिससे वहां पे बहुत ज्यादा चांस हो जाते हैं सेप्टिसीमिया मतलब घाव में पस पड़ने के, या मियासिस घाव में मैगेट कीड़े पड़ने के, जिससे पशु के स्वास्थ्य की हानि तो होती है, साथ में पशुपालक को बहुत बड़ा इकोनॉमिकल लॉस उठाना पड़ता है। डॉक्टर साहब, इस तरह के अनक्योर्ड घाव में कोई भी साधारण ट्रीटमेंट आप देखते हैं वो ज्यादा असर नहीं करता है, और जल्दी से जल्दी घाव को कंप्लीट क्योर करना आपकी प्राथमिकता होती है। तो डॉक्टर साहब, इस तरह के अनक्योर्ड घाव को ट्रीट करने के लिए आपको चाहिए एक कंप्लीट क्योर ऑफ घाव, जो कि घाव को जल्दी भरे और जल्दी से जल्दी पशु को ठीक करे। डॉक्टर साहब, इसीलिए रोडेक प्रेजेंट करता है क्योर घाव, अ संपूर्ण क्योर घाव विद सीपीआर फॉर्मूला। डॉक्टर साहब, क्योर घाव एक एडवांस वुंड हीलिंग स्प्रे है सीपीआर फॉर्मूला के साथ, जो घाव को क्योर भी करता है, प्रिवेंट भी करता है और रीजनरेट भी करता है। डॉक्टर साहब, आइए समझते हैं कि क्योर घाव कैसे एक संपूर्ण क्योर ऑफ घाव है और अनक्योर्ड और क्रिटिकल घाव के लिए एक संजीवनी बूटी है। डॉक्टर साहब, अगर मैं क्योर घाव के इंग्रेडिएंट की बात करूं तो क्योर घाव में सीपीआर फॉर्मूला है, जिसमें क्योर अगर हम बात करें तो उसके लिए क्योर घाव में दिया गया है लेमन ग्रास, हल्दी, करकुमा लौंगा, सिनेमोम मींस कपूर, और सिड्रस देवदार बार्क ऑयल मतलब देवदार। डॉक्टर साहब, आप जानते हैं कि ये प्योर हर्बल इंग्रेडिएंट है, इनका कोई भी साइड इफेक्ट पशु पर नहीं होता है, और ये एक माने हुए एंटीसेप्टिक, एंटीप्रोटिक, फंगिसाइडल और एंटी इंफ्लामेटरी की तरह काम करते हैं, और जो घाव के आसपास की स्किन है उसके नॉर्मल टेक्सचर को मेंटेन करते हैं, जिससे डॉक्टर साहब पशु के अनक्योर्ड घाव में सबसे पहला फायदा क्या मिलता है, पेन और स्वेलिंग बहुत तेजी से कम हो जाती है, और सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के या पस पड़ने के बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांसेस कम हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, क्योर घाव में सीपीआर टेक्नोलॉजी में सेकेंड है प्रिवेंट। डॉक्टर साहब, क्योर घाव में आपको मिलता है यूकेलिप्टस ग्लोबुलस ऑयल और पाइनस लॉन्गिफिलिया एक्सुडेट ऑयल। डॉक्टर साहब, क्योर घाव में बहुत ही प्योरिफाइड एक्सट्रैक्ट हमने यूज किए हैं, दिए हुए हैं, जिससे ये बहुत ही ज्यादा पोटेंट तरीके से काम करता है। डॉक्टर साहब, अगर आप देखेंगे, मैं प्रिवेंट की बात करता हूँ, तो किसी भी घाव में सबसे ज्यादा जरूरत होती है उसको मक्खी मच्छर से बचाने की और सेकेंडरी इन्फेक्शन को दूर करने की। इसलिए डॉक्टर साहब, यूकेलिप्टस ग्लोबुलस ऑयल और पाइनस लॉन्गिफिलिया ऑयल ये काम करते हैं एक पोटेंट डिसइन्फेक्टेंट की तरह, मैगेटोसिडल की तरह काम करते हैं और फ्लाई को रिपेलेंट करते हैं, फ्लाई रिपेलेंट की तरह काम करते हैं, जिससे डॉक्टर साहब सबसे बड़ा फायदा मिलता है कि डेड सेल रिमूव होती हैं और घाव में कीड़े पड़ने के, पस पड़ने के चांसेस कम हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, सीपीआर फॉर्मूला का थर्ड है रीजनरेट। डॉक्टर साहब, किसी भी घाव में अगर आप देखेंगे, कंप्लीट ट्रीटमेंट तभी माना जाता है जब वो घाव पूरी तरह से रिकवर हो जाए और स्किन अपने नॉर्मल टेक्सचर पे आ जाए। इसके लिए सबसे जरूरी होता है कि हम लोग उस घाव को बाहर के धूल, प्रदूषण, बैक्टीरियल इन्फेक्शन इससे बचाएं, और जल्दी से जल्दी जो घाव के आसपास की स्किन है, अंदर की एपिथीलियल लेयर है, अंदर की लेयर है, उनको नॉर्मल कंडीशन में वापस लेके आए। इसलिए डॉक्टर साहब, अगर मैं बात करता हूँ सीपीआर फॉर्मूला के रीजनरेट की,
तो डॉक्टर साहब क्योर घाव में आपको मिलता है पैराफिन ऑयल, मलेशिया पिनेटा, करंज ऑयल, लीनियम यूसिलेटियम, अलसी ऑयल, आजादिका, इंडिका, नीम। डॉक्टर साहब आप जानते हैं ये एक बहुत ही ज्यादा माने हुए पोटेंट इंग्रेडिएंट है जो कि काम करते हैं घाव को एज ए सीलेंट, सील करते हैं घाव के ऊपर, लेयर फॉर्म करते हैं जिससे बाहर से कोई भी धूल डस्ट इन्फेक्शन घाव के अंदर तक ना पहुंचे, प्रमोट करते हैं एपिथेलियल रीजनरेशन को, इंक्रीज करते हैं कोलेजन फॉर्मेशन को, मेंटेन करते हैं स्किन इलास्टिसिटी को, जिससे डॉक्टर साहब क्या होता है, पहला तो बाहर से कोई भी कंटामिनेशन घाव के अंदर नहीं आता है, साथ ही साथ जो स्किन के अंदर की एपिथेलियल लेयर है वो बहुत तेजी से अपने नॉर्मल कंडीशन में आती है और घाव बहुत तेजी से हील होता है। तो डॉक्टर साहब क्योर घाव विद सीपीआर फॉर्मूला एक संपूर्ण क्योर है हर तरह के घाव का। डॉक्टर साहब जैसा कि मैंने आपको बताया क्योर घाव एक संपूर्ण क्योर है घाव का, चाहे वह किसी भी तरह का घाव हो, चाहे वह मैगेटेड घाव हो, चाहे सर्जिकल वुंड हो, एफएमडी या डिग्नाला के दौरान होने वाला घाव हो, कोई भी इन्फेक्टेड वुंड हो जिसमें सेप्सिस हो वो वुंड हो, सींग टूटने का घाव हो या फुट रोट का घाव हो, डॉक्टर साहब किसी भी तरह के घाव में क्योर घाव संपूर्ण क्योर करता है, घाव को फास्टली हील करता है। और ये घाव को फास्टली हील कैसे करता है डॉक्टर साहब, क्योंकि क्योर घाव में है सीपीआर फॉर्मूला, क्योर भी करता है, प्रिवेंट करता है बाहर के कंटामिनेशन से और रीजनरेट करने में हेल्प करता है। तो डॉक्टर साहब नाउ दिस इज द टाइम टू चेंज, साधारण उपायों से संपूर्ण क्योर ऑफ घाव, क्योर घाव। डॉक्टर साहब हर तरह के वुंड पे सबसे ज्यादा सरदारी, सबसे ज्यादा सरकारी क्योर घाव।